एपिसोड 1 नहीं देखा है पटना जू का तो जाके देखिए, क्योंकि एपिसोड 1 में मैं सारे जानवरों को कवर किया। बहुत सारे लोग वीडियो बनाया है पटना जू का, पर उन्होंने क्या किया है, पूरा चीज एक ही वीडियो में डाल दिया। पर आपका भाई विष्णु बिहारी ऐसे नहीं किया, एपिसोड 1 में सारे जानवरों को कवर किया हूँ, और एपिसोड 2 में आप लोग को चिड़ियाघर में जो सांप का घर और मछली का घर है वही एपिसोड 2 में देखने के लिए मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो जाकर फॉलो कीजिए, जहाँ पे विष्णु बिहारी आईडी है। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आएगा। पटना चिड़ियाघर का लास्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ, और एक चीज ही अभी बाकी है देखने के लिए, सांप का घर वहाँ पे होगा। थके नहीं है, ज्यादा लंबा वंबा है ही नहीं, आराम से वॉक करके ही आ सकते हो और देख कर जा सकते हो। नदी बीच में आ जाता है, उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे झूले वाला ब्रिज बना है, जो देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जंप करोगे, झूलोगे, तो इसके लिए तो नाम झूला ब्रिज। झूल रहा है, बहुत ही छोटा था क्रॉस करने वाला ब्रिज, क्रॉस कर लिया, और एनर्जी लेवल देखे ना तो 0 है। मछली घर आ चुका है, यहाँ पे अलग से एक टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप लोग बच्चे हो 5 रुपया, और बच्चे नहीं हो तो 10 रुपये ही लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो टिकट कटवा रहा है, और मछली घर में आप लोग को दिखाएंगे क्या है अंदर, नहीं है। हम लोग मछली देखने के लिए एक जने पे 10 रुपया लगाया, तो हम लोग 4 जने हैं तो 40 रुपया लग गया, और अंदर 10 रुपया देखने लायक चीज़ नहीं हुआ ना, क्या होगा, क्या कर सकते यार, पैसा दिया है। आप लोग भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा मछली घर। मछली घर के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है मछली घर के अंदर। अगर आप लोग पटना चिड़ियाघर आ रहे हो, मछली घर एक बार जरूर आना। 10 रुपया लग रहा है, इसके सोच का ये मत सोचना कि नहीं आऊँगा। आओगे तो अच्छे तरह से बहुत सारे मछलियाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक मेरे को तो किसी का नाम भी नहीं पता था, सोच सकते हो उस टाइप का मछलियाँ मेरे को देखने के लिए मिला, बहुत ही अच्छा था। 10 रुपया लगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 10 रुपया। बहुत सारे हीरो तो फूक के ख़त्म कर देते 10 रुपये। मैंने पूरा अच्छे तरह से आप लोग को पटना चिड़ियाघर का वीडियो दिखा दिया, मोस्टली मैंने पूरा चीज़ कवर कर लिया, वो भी पैदल करके। करीब मेरे को 1.5-2 घंटा लगा है, और अभी एक चीज़ और बच चुका है, क्या है, सांप का घर। तो आप लोग को अच्छे तरह से सांप का घर का भी वीडियो दिखाने जा रहा है, क्या बिटू भाई, अपन पैदल ही कवर कर लिए ना। हाँ, पूरा पैदल कवर किया। अच्छा, आप लोग आ रहे हो तो ये आप लोग ये मत सोचे कि मैं बगी मतलब यहाँ पे जो गाड़ी अवेलेबल है उस चीज़ से आप लोग घूमोगे, तो वो चीज़ से घूमोगे तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन लोग का जल्दी जल्दी में कुछ भी दिखा के बाहर निकाल देंगे। तो आप लोग आ रहे हो तो पैदल ही प्रिफेयर कीजिए घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, छोटा है, बहुत ही कुछ देखने के लिए मिलेगा, और बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कवर कर लोगे पैदल घूमोगे। तो अभी फाइनली मैं सांप के घर जा रहा हूँ, सांप दिखाऊंगा आप लोग को। जब से मैं अंदर घुसा हूँ तब से एक बार भी नहीं बैठा हूँ, नॉनस्टॉप घूमते हुए सारे चीज़ कवर कर लिया हूँ, और एक चीज़ छूटा है, सांप का घर, वो भी कवर करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ पहले बैठ जाते हैं, एनर्जी ला लेते हैं, फिर आप लोग को सांप घर दिखा देते हैं। 2 जने गायब हो चुका है,
और मैं और बिट्टू सामने हैं। बिट्टू वहाँ पे हेलीकॉप्टर के वहाँ फोटो ले रहा है। वो दो जने को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे गया है। आप लोग का ये एरोप्लेन दिख रहा है, उसके बाजू में ही यहाँ पे चेयर है, तो वहाँ पे हम लोग रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि नॉन स्टॉप बहुत घूमे, बहुत चीज़ दिखाए हैं और अभी एक एक चीज़ बाकी है कि सांप घर। तो सांप घर यहाँ पे रेस्ट होने के बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा सांप का घर कैसा है, कहाँ पर नहीं है, कौन सा सांप है नहीं है। लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन सांप के घर आप लोगों को दिखा के उसके बाद कुछ है ही नहीं पटना जू में। तो यही कुछ था, मोस्टली सब कुछ मैंने कवर कर लिया, सब कुछ। अभी सांप के घर में घुसने वाला हूँ, घुस गया हूँ। मैंने सारे कुछ आप लोग को पटना चिड़ियाघर का वीडियो दिखा दिया हो, तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यही कुछ है और इसके बाद और कुछ है ही नहीं। अगर होगा जिनको पता हो कमेंट करना मुझे। बस अभी मेरे को पता है कि अभी हम लोग नहीं घूम पाएंगे क्योंकि 3-4 घंटा नॉन स्टॉप घूम ही रहे हैं और 10 और 5 मिनट का ही ब्रेक लिए हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हो तो जाके फॉलो कीजिए, विष्णु बिहारी है। तब तक के लिए बाय।